सरिता क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो पानी में लगने वाले इंडोर प्लांट है हमारे, जो बहुत ही आसानी से हम घर के अंदर लगा सकते हैं और अपने घर की वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और हवा हमारी जो है अंदर की जो हवा पोल्यूशन वगैरह जो होता है हो जाता है, तो वो अंदर वाले प्लांट जो है हमारे, हमें पता नहीं चलता अंदर जो हम मिट्टी में प्लांट लगाते हैं कि उनको करना क्या है, उसमें पानी कितना डालना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर बाहर करते करते वो प्लांट हमारे मर जाते हैं। तो अगर जो बिगनर है और जिनको अभी ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, या कोई जो घर पर कम रहते हैं, कई कई दिनों बाद हमें बाहर ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है, हमें इधर घूमना पड़ता है, तो वो और वो प्लांट भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो आप उसके लिए आप पानी में प्लांट लगा सकते हैं। पानी में बहुत ही आसानी से प्लांट हमारे ग्रो कर जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेड ऐसा नहीं है कि सभी प्लांटों को, सेक्युलेंट वगैरह जो प्लांट होते हैं वो उनको हम पानी में नहीं लगा सकते हैं, तो उसमें भी कुछ लिमिटेड प्लांट होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ प्लांट जो है हम पानी में लगा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ प्लांटों का आपको नाम बताऊंगी जो आपको बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएंगे और आप उनको लगा भी सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है हमारा ये बैम्बू प्लांट आएगा, ये हमें बहुत ही आसानी से बाहर मार्केट में हमें मिल जाता है और ये बहुत लॉन्ग लाइफ है इसका चलने वाला। इसका सिर्फ एक ही इसका है कि इसका टाइम टाइम से जो है हमने इसका पानी चेंज करना है और बहुत अच्छी तरह से हमारा ये प्लांट चल जाता है और हमारे अंदर के जो वातावरण को है ये सूट करता है, ये ऑक्सीजन देता है हमारे, जो हमारे अंदर जो पूरे डस्ट वगैरह जो हमारे पोल्यूशन जिससे हो जाता है, तो उससे उसके लिए हमारा ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छा रहता है। तो नंबर वन पे हमारा ये है बैम्बू प्लांट, जिसको हम लकी प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको आप अपने घर में रख सकते हैं और अपने घर को अच्छा और शुद्ध बना सकते हैं और डेकोरेट करने में भी बहुत ही अच्छा है। अच्छे अच्छे बाउल्स वगैरह में आता है, जो डेकोरेटेड बाउल होते हैं। एक मेरा बाउल जो है वो पुराना प्लांट मेरा एक पड़ा हुआ है तो टूट गया था, तो उसको मैंने एक ये इसमें लगा रखा है। ये देखो ये भी इसमें थोड़ी सी डंडियां बची हैं तो ये चल रहा है। ये काफी साल, 4-5 साल पुराना मेरा प्लांट है। थोड़ा सा गर्मियों की वजह से थोड़ी इसकी पत्तियां थोड़ी सूख गई हैं। जो पत्तियां इसकी सूख जाती हैं उसको साथ साथ में काटते भी जाएं। और इसका ये है एक ये प्लांट का, जैसे ही आपका ये प्लांट में से बीच में से कोई अगर डंडी येलो कलर की हो जाती है, पीले कलर की, तो उसको आप निकाल दें तभी, ताकि वो फंगस जो है वो और डंडियों को हमारी जो है पीला ना करे और फंगस हमारी फैलाए नहीं। बस यही इसकी केयर करनी है। थोड़ा पानी इसका टाइम टाइम से चेंज करना है और टैप जो वाटर है उसी का हमने यूज करना है। तो ये है हमारी पहला प्लांट। सेकंड प्लांट हमारा फ्रेंड ये है पोथोस, जिसे हम मनी प्लांट के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही आसानी से पानी में ग्रोथ करता है और ये बहुत अच्छा चलने वाला प्लांट है। इसका सिर्फ एक ही केयर है कि इसका पानी टाइम टाइम से चेंज करना है और पानी चेंज करके जो इसमें थोड़ी फंगस वगैरह या कुछ हमारी जो जड़े वगैरह है वो गल जाती हैं, तो उनको हमने पूरा अच्छी तरह से हमने पत्तों को साफ रखना है, पत्तों को पूरे धो देना है और उसकी जड़ों को साफ करके हमने दोबारा पानी में डाल देना है और बहुत अच्छी तरह से हमारा ये प्लांट चलता है। ये और ये बहुत लंबा हो जाता है हमारा, जितना आप पूरे घर में अगर ये कोई 10-12 फीट तक लंबा भी चला जाता है ये प्लांट। अगर आपने अच्छी तरह से पूरे मतलब पूरे घर में अगर इसको थोड़ी ग्रीनरी लानी है तो आप इस प्लांट को आप प्रेफर कर सकते हैं। इसको आप काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट भी कर सकते हैं। मेरा जैसे ये प्लांट है, एक मैंने ये प्लेट्स में प्लांट एक बाउल में लगा के रखा है और इसकी जड़ें देखिए कितनी अच्छी तरह से हो गई। मैंने इसको ऐसे ही सिर्फ फेंका ही हुआ है इसमें, लेकिन ये है कि इसमें जड़े वगैरह थोड़ा डेकोरेट करके रखा हुआ है। इसमें सिर्फ ये करना है हमने, जो ये प्लांट है और आजकल थोड़ा बरसात का मौसम है तो थोड़ा इसका पानी का ध्यान रखना है। मैं टाइम टाइम से इसका पानी चेंज करती रहती हूँ और जो इसमें मैंने जो ये थोड़े छोटे छोटे से ये डाले हुए हैं तो इनको साफ करना है फ्रेंड। इसको पूरे जब आप पानी चेंज करते हो इसका तो पूरा इनको साफ करके धो के और फिर दोबारा इसको इन पानी में डालना है, ताकि हमारे मच्छरों मच्छरों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में मच्छरों का और डेंगू वगैरह का काफ़ी प्रकोप रहता है। तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा बरसात के टाइम में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और नहीं तो ये हमारा बहुत ही प्यारा देखिए पॉट लगता है। अभी मैं धो के इसको जब रखूँगी तो ये बहुत देखने में भी बहुत इसकी शाइनी, अभी तो धूल वगैरह चढ़ गई है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मर जाता है। बहुत अच्छी तरह से इसको जैसे, और इसमें जो है ये पीली जो एक पत्ती देखिए खराब हो रही है, तो इस पत्ती को हमने ऐसे निकाल देना, जो हमारी पीली डंडियां होती जाती हैं उसको हमने निकालते जाना है। तो ये देखिए डेकोरेट करने में भी इतना अच्छा लगता है और ये प्लांट हमारा जो है हमें ऑक्सीजन भी साथ में दे रहा है और इसकी कोई केयर नहीं है फ्रेंड, सिर्फ इसका पानी चेंज करना है हमें, ना इसमें देखना है हमने ना फर्टिलाइजर का कुछ ऐसा ज्यादा यूज है इसमें, और हमें सिर्फ पानी में ही इसको रखना है और
आराम से हमारे घर में एक शुद्ध मतलब हमारे आर्टिफिशियल पार्ट जो है प्लांट्स वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। देखिए खुद ही इतना अच्छा हमारा जो है प्लांट बना हुआ है। थर्ड प्लांट में फ्रेंड मैं ये कोलियस का बताऊंगी आपको। ये कोलियस हमारा जो है हमें ऐसे हम मैं अगर कोई प्लांट नर्सरी से लेके आती हूँ, अब की बार गर्मियाँ बहुत थी तो मेरे बहुत से कोलियस के प्लांट जो है मेरे मर गए हैं, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था कि मैं ये डंडी कहीं से तोड़ के लेके आई थी और ये मैं जस्ट सिर्फ ऐसे ही मैंने इसको पानी में डाल दिया था और अभी एक वीक भी नहीं हुआ है और इसमें देखिए कितनी अच्छी तरह से जड़ें आ गई हैं। और अगर मैं सीधा डायरेक्ट अगर इसको मैं मिट्टी में लगा देती हूँ, या बिगनर है कोई और जो डायरेक्ट मिट्टी में अगर लगा रहे हैं तो शायद ये आपका प्लांट इतनी अच्छी तरह से नहीं चलेगा, लेकिन देखिए पानी में कितनी अच्छी सी जड़ें बन गई हैं। तो ये बहुत अब ये आसानी से आपका प्लांट ये लग सकता है फ्रेंड। ये जड़ें वगैरह जब निकल आती हैं तो हमारा फ्रेंड प्लांट लगने में हमारी आसानी होती है। कहीं से भी आप अगर प्लांट लेके आते हैं, नर्सरी से भी अगर प्लांट लाते हैं और आपको पता नहीं है कि उसकी मिट्टी कैसी बनानी है हमने, तो आप एक बार ऐसा करिए कि आप उसकी जड़ें पूरी धो दीजिए और पूरा उसको फिर जैसे इसी के तरह जैसे आप एक दो डंडी जैसे आपको लग रहा है कि आपका प्लांट कोई मरने वाला है या कोई नर्सरी में आपको उसकी जानकारी नहीं है और प्लांट आप लेके आ गए हो, तो आप उसको एक पानी के बाउल में कैसे किसी भी तरह के बाउल में आप उसको लगा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से आपका वो प्लांट लग जाएगा। और जब ज़्यादा अच्छी तरह से जड़ें वगैरह हो जाएंगी तो आप एक उसकी जो भी जानकारी लेके मिट्टी की जानकारी लेके फिर आप उसको अपने प्लांटर में लगा सकते हैं, तो शायद आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से और बहुत सालों तक आपका चले। तो ये कोलियस उसी तरह का है। देखिए फ्रेंड अब इसकी जड़ें आ गई हैं, अब थोड़े दिनों में मैं इसको मिट्टी में लगा दूंगी तो शायद मेरा ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और मैं आपको वीडियो में बाद में इसको दिखाऊंगी भी। तो एक ये हमारा कोलियस का प्लांट है जो बहुत अच्छी तरह से आपको कहीं भी अगर मिलता है तो आप प्लीज की डंडी वगैरह भी लेके आप आ सकते हैं और उनको आप अपने अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। इसकी पत्तियां बहुत ही प्यारी होती हैं, लाल रंग की जो फूलों की कमी महसूस नहीं होने देती हैं। तो ये एक प्लांट है जो हमारा पानी में चल जाता है। चौथा प्लांट फ्रेंड मेरा ये है, हमारा ये स्नेक प्लांट है। ये मेरा मिट्टी में लगा हुआ है स्नेक प्लांट, लेकिन आप इसको बहुत ही आसानी से पानी में लगाकर आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हमारा लग जाता है। सिर्फ इसमें इसकी जड़े जड़े जो है नीचे की वो डाल सकते हैं आप और उसमें से बहुत अच्छी तरह से जड़े निकल आती हैं और आप इसको पानी में लगा के, और ये नासा ने भी इसको प्रूव किया है कि ये एयर प्यूरीफाई हमारा जो प्लांट है रात को भी आपको ऑक्सीजन देता है प्लांट। तो ये हमारे बेडरूम की शोभा में बहुत अच्छी तरह से बढ़ाएगा और बहुत अच्छा हमारा ये प्लांट है। अगर आप इसको अगर पानी में लगाना चाहते हैं तो ये प्लांट के साथ जा सकते हैं। जैसे ये तो है आपका छोटा वाला, लेकिन ये मैं बड़ी डंडियाँ भी मैं काट के लेके आई हूँ। ये देखिए बड़ी डंडियाँ मैं लेके आई हूँ काट के, तो इनको आप लगा सकते हैं अगर आपको पानी में लगाना है। तो इसके लिए मैंने ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, घर पे कुछ भी हो आपके पास लगा, जैसे मेरे पास ये फ्लावर पॉट है ये खाली ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसमें मैं पानी डाल के इनको ऐसे डाल दूंगी दो तीन डंडियों को। ये देखिए ऐसे दो तीन डंडियों ऐसे डाल दूंगी इसके अंदर और इसमें पानी डाल दूंगी और फ्रेंड थोड़े ही दिनों में इसमें जड़ें निकल आएंगी। तो ये देखने में भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हमारी घर में प्यारा सा लगेगा। ये देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है और साथ में आपका कुछ इसकी मेंटेनेंस नहीं है, कुछ इसमें मिट्टी का नहीं है, इसका फर्टिलाइजर कुछ नहीं है, सिर्फ पानी में आपका ये प्लांट चलेगा और बहुत ही अच्छी तरह से ये आपके जो घर की हवा को है शुद्ध करता है और घर की आपकी शोभा को भी बढ़ाता है प्लांट। तो ये मेरे चौथे नंबर का जो प्लांट है जो मेरा फेवरेट है। ऐसे तो मनी प्लांट वगैरह भी सही है लेकिन लोगों के पास ये जाते हैं, लेकिन स्नेक प्लांट को लगाने में लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं कहूँगी अगर बिगनर है तो आपको कहीं से भी एक छोटी सी भी डंडी है उसको आप काट के लगा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से आपका वो प्लांट जब उसमें जड़े निकल आएंगे तो आप उसको मिट्टी में लगा सकती है। और ये छोटी से छोटी कटिंग इसकी जो है बहुत आसानी से, जैसे हमारी ये प्लांट है और इसकी मैं छोटी छोटी कटिंग करके भी अगर मैं पानी में इसको डाल के लगा दूंगी तो इसके बहुत सारे प्लांट हमारे बन जाते हैं। तो हमारा ये चौथा जो है हमारा ये स्नेक प्लांट है। फ्रेंड्स अगले ये प्लांट है, मैंने ये दो प्लांट इकट्ठे लगा रखे हैं, ये मेरा पर्पल हार्ट का है और ये मेरा बोट लिली वाला एक प्लांट है। तो फ्रेंड ये दोनों ही देखिए कितनी अच्छी तरह से लगे हुए हैं इसमें। ये देखिए ये इसकी जड़ें देखिए कितनी अच्छी से वैसे इसकी निकली हुई, ये पूरा इसमें लगा रखा है। ये मैं किसी में भी जैसे हमारे कप है थोड़ा क्रैक व्रैक हो जाते हैं या एक्स्ट्रा मेरे पास पड़े हैं तो मैं इसमें भी ये लगा रखा है और ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है। फ्रेंड ये बहुत आसानी से मिट्टी में भी लग जाता है ये, लेकिन वही कि मिट्टी में बहुत झाड़ सा बन जाता है इसका बहुत ज़्यादा है। या आप जैसे हैंगिंग प्लांटर वगैरह में भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम में ये बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। लेकिन अभी मैंने पानी वाले में लगा रखा है तो ये देखिए कितना अच्छी तरह से ग्रीन हो रखा है और ये देखिए जड़ें देखिए इसकी कितनी पूरी पानी के
निकली हुई है सारी इसकी जड़ें। तो ऐसे ये प्लांट, ये दोनों मैंने लगा रखे हैं, तो देखने में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही आसानी से, और ये भी पानी को हमारे जो इस हवा को है ये शुद्ध करते हैं, वातावरण को बहुत ही कूल और देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। ये हमारे अलग से देखिए, जैसे ये प्लांटों के बीच में लगा रखा है, ये अलग से देखिए तो इनका कलर बहुत ही अच्छा कलर आता है ये दोनों ही का। तो ये दोनों प्लांट भी हमें अपने पानी में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अगला प्लांट जो है ये हमारा सिंगोनियम का है। ये देखिए इसमें जड़ें देखिए कितनी अच्छी तरह से आ रही है। काफी दिनों पुराना प्लांट है मेरा ये, और ये पूरा जैसे मनी प्लांट का प्लांट होता है वैसे इसकी जड़ें जो है ये अलग अलग नोड एरिया से इसकी जड़ें निकलती है। ये देखिए तो बहुत ही आसानी से हमारा ये ग्रोथ होने वाला प्लांट है फ्रेंड, और इसको आसानी से हम अपना धोके, और मैं आपको बताती हूँ कि इसके पानी कैसे चेंज करना है और हमने कैसे इसकी डंडियों को साफ करके रखना है। फ्रेंड ये अगला ये सिंगोनियम के मैंने यहाँ पे भी रखे हुए हैं, ये मैंने एक बोतल में ही डाल के ये बास में रखे हुए हैं, तो ये भी मैं आपको साफ करके दिखाऊंगी। ये देखिए जब मैं इनको साफ करती हूँ, सारे ग्लास वाले जो होते हैं, तो ये सारों को मैं इकट्ठा ही साफ करती हूँ इनको, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, ये इसको मैं ऐसे निकाल दिया है, ये धीरे धीरे करके हमने इसको निकालना है ताकि इसकी जड़ें ना टूटे, और ये जो गले हुए हैं हमने उनको साफ कर देना पूरा। तो ये देखिए तो पूरा पानी मैंने धो के पूरी बोतल को साफ कर दिया पूरा। इसी तरह हमने सारे प्लांटों को अच्छी तरह से पूरा धोना है, पत्तों वत्तों में धूल मिट्टी अगर कुछ लगी है तो वो साफ कर देनी है हमने, और इसकी जड़ों को साफ कर देना है। जो गली हुई जड़ें हैं वो हमने इनको निकाल देना है। ये देखिए गली हुई जड़ों को हमें साफ कर देना पूरा, और ये डंडी पीली पड़ रही है तो इसको मैंने निकाल दिया है साथ में, ताकि ये हमारा टाइम टाइम से जब भी हमने इसका पानी चेंज करना है तो हमने टाइम टाइम से इनको भी धो देना है, ताकि जो गला सड़ा है जो ओरों में ना फंगस लगे। तो इसी तरह से हमने इनको कर दिया साफ। तो ये इस बोतल में डाल के पानी डाल देना है इसमें। तो फ्रेंड ये मैंने इसमें पानी भर रही हूँ। इसमें हम मनी प्लांट और कई प्लांटों में ऐसे है कि ऊपर तक पानी भर सकते हैं, लेकिन कई प्लांट ऐसे प्लांटर ऐसे जैसे प्लांटर ऐसे हैं जिनमें हम पानी सिर्फ उतना ही भरना है। जैसे हमारा स्पाइडर प्लांट है तो उसमें सिर्फ जड़ों जड़ों तक पानी आना चाहिए, तो उतना ही पानी हमने भरना है। तो ये देखिए मैंने पानी इसमें इसको भी धो दिया है, ये मेरे दो प्लांटर थे तो इसको मैंने धो के इनमें पानी डाल दिया है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड ये स्पाइडर प्लांट है, ये पानी में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाता है फ्रेंड। ये देखिए मेरे ये सारे जो है ये लगे हुए हैं, जो ये पब्स से निकले हुए प्लांट है फ्रेंड, तो इसमें जो ये पब निकल के आ रहे हैं तो इसमें साथ में ये जड़ें भी निकल रही हैं। ये छोटी छोटी जड़ें हैं, थोड़ा सा ये पब अभी छोटे हैं, जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको हम यहाँ से तोड़ के और इनको पानी में डाल देंगे। जैसे पानी में हल्की सी इनकी सिर्फ इतना सा एरिया जो जड़ वाला एरिया है हमने ये वाला एरिया इसमें डालना है, और ये बहुत अच्छी तरह से थोड़े ही दिन में एक हफ्ते में हमारी बहुत सारी जड़ें निकल आएंगी। और उसको अगर आप पानी में लगा के रखना चाहते हैं तो पानी में लगा के रखिए, नहीं तो अगर ऐसे प्लांट अगर आप बनाना चाहते हैं या हैंगिंग में या कुछ वैसे पॉट में जो रखे हुए पॉट में भी बनाना चाहते हैं तो उससे भी बहुत अच्छी तरह से पानी में ग्रोथ करेगा। फ्रेंड हमारा लास्ट प्लांट जो है ये पोर्चुला का है, मैंने आपको बालकनी में पिछली लास्ट दिखाया था कि मेरी बालकनी में बहुत सारे हैं, और अभी मैंने उसकी प्रूनिंग करी है, पूरी कटिंग होती हार्ड प्रूनिंग करी है, बहुत सारे उसमें से निकल आए थे, लीव्स जो है निकल लटक गए थे, तो मैंने सारी कटिंग कर दी है उन प्लांट्स की ताकि उसमें से काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ आए। तो इसके लिए फिर मैंने इसको पानी में डाल दिया है, तो मैंने देखा कि इसमें से बहुत अच्छी तरह से जड़े और पानी में बहुत अच्छी तरह से चल जाता है, और अंदर अगर फूल चाहते हैं तो इसमें से भी काफ़ी अच्छे दिन में फूल खिलाए थे। इसमें देखिए ये आधे फूल मुरझा चुके हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा हमारा पानी में चलने वाला प्लांट है। और अगर आपने स्टार्टिंग में, वैसे तो ये छोटी से छोटी कटिंग में बहुत आसानी से मिट्टी में भी लग जाता है फ्रेंड, लेकिन अगर आप अंदर इसको लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसको चाहिए थोड़ी धूप, लेकिन अगर आप अंदर लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसानी से हमारा पानी में भी चल जाएगा। तो ये थे फ्रेंड मेरे पानी में लगने वाले कुछ प्लांट, वैसे तो और भी काफ़ी प्लांट हैं लेकिन मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी उसके लिए। तो आपको, मुझे आशा है कि आपको मेरी ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी और कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आप अपने घर में कुछ प्लांट अगर इंडोर लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से हमारे प्लांट भी चल जाते हैं और हमारे घर की शोभा को बढ़ाते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी ये जानकारी जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बाय।